मुताहिब? देखिए, हो तो जाना चाहिए, हो तो जाना चाहिए। उन्होंने सदन में कहा कि मैंने तो उनको अपनी बहन कहा था। बहन कहा था, बिल्कुल कहा था। और लेकिन जो आचरण सदन में माननीय रमा देवी जी का भी था, वो भी आप लोग देख रहे थे। तो आपको लगता है क्या कि इसमें पूरा न्याय नहीं हुआ आजम खान के साथ, आपका ये मानना है? हाँ, न्याय तो नहीं हुआ है उनके साथ, न्याय तो नहीं हुआ है। क्योंकि फातिमा जी, यहाँ पे एक महिला भी है, और उन्नाव में जो घटना हुई थी, आपको ध्यान में होगा कितना आक्रोश था वहाँ। जो रेप पीड़िता थी उसको आज एक्सीडेंट हुआ, दो लोग तो मारे भी गए, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? मैंने कहा ना कि जहाँ महिला के सम्मान का सवाल आता है, वहाँ पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को सम्मान को भी ध्यान में रखना चाहिए, केवल एक महिला के सम्मान को नहीं, सभी महिलाओं के सम्मान को दृष्टि में रखना चाहिए, और महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन माननीय रमा देवी जी के सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने उसी समय कह दिया था कि वो मेरी बहन की तरह हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। माफ़ी से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये लफ्ज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप किसी को अपनी बहन कहें और कह दें कि मैं इसको बहुत सम्मान देता हूँ। शुक्रिया, हमसे बात करें। हमारे साथ फातिमा थी जो कि आजम खान की पत्नी है, और साफ तौर पे कह रही है कि यहाँ से ये विवाद खत्म होना चाहिए, और ये भी कह रही है कि इस मसले पर आजम खान साहब को न्याय नहीं मिला है। कैन मसान सिंह के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।